रहे हैं लाइव 7। सेवन देख रहे हैं आप, मैं हूं मधु सिंह। दिवाली के अवसर पर हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। इस बार भी नरेंद्र मोदी जो पीएम है हिंदुस्तान के, वो सेना के साथ, सेना के जवानों के साथ आज हिमाचल के लेपचा में दिवाली मनाने पहुंचे थे। लेकिन ये तब तक एक सामान्य सी खबर थी कि पीएम, भारत के पीएम आम मतलब हर साल की तरह इस बार भी दिवाली मनाने सेना के जवानों की एक टुकड़ी के साथ पहुंचे हैं बॉर्डर पे, सीमावर्ती क्षेत्र में। लेकिन चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए बन पड़ी और आज की उनकी इस यात्रा और सेना के जवानों के साथ जो दिवाली का उत्सव उन्होंने मनाया है और सेना के जवानों का हौसला अफजाई किया है, उनको प्रेरित किया है, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और उनको सेना के जवानों को उन्होंने बताया है कि अब हमारे पास क्या है, आप कमज़ोर कहीं से नहीं है। आज पूरा विश्व जो है वो भारत से अपेक्षा रख रहा है, भारत की तरफ देख नहीं रहा, भारत से अपेक्षा रख रहा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत मेरे फेवर में काम करे, मतलब भारत हमको सपोर्ट करे और संबल दे। और ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों आगे होगा, इस पर भी उन्होंने विस्तार से सेना के जवानों के साथ चर्चा की और उस चर्चा को विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ग्रुप एडिटर अजीज भरनी साहब और वो भी बताएंगे कि पीएम ने क्या कहा, आप खुद से पीएम की जुबानी सुनेंगे भी। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने ये कहा है कि अब जो सेना के जवानों का हौसला है, अब हथियार भी हमारे होंगे, दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। तो आज सीमावर्ती क्षेत्र में जा करके सेना के जवानों को संबोधित करते हुए पीएम ने ऐसा क्यों कहा, ये तमाम चीज़ें चर्चा में निकल करके आएंगी। लेकिन पहले पीएम मोदी ने क्या कहा सेना के जवानों से, वो सुनिए। अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्राण हमारा। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब गुण सिखाए, कैसे मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर, उन्होंने ये कहा कि हौसला, सेना हमारी, हथियार हमारे और दम हमारा, कदम हमारे होंगे। क्या कुछ संकेत या क्या कुछ सार आप निकाल पा रहे हैं उनके इस बयान से? दम भी हमारा होगा, कदम भी हमारे होंगे, सेना भी हमारी होगी, हथियार भी हमारे होंगे। प्रधानमंत्री का ये बयान, प्रधानमंत्री का ये कथन हमारी सेना जो राष्ट्र की प्रहरी है उसके लिए बहुत ही सम्माननीय है और एक आत्मबल से, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। निश्चित ही ये संदेश है पूरी दुनिया को। और आज जो कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं युद्ध की ओर अग्रसर होती चली जा रही है, ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए और भारतीय स्थिति के बारे में बताते हुए कि हमारे हथियार होंगे, मतलब हम हथियारों से लैस हैं,
सभी प्रकार के हथियारों से लैस हैं। हम किसी दूसरे देश के हथियारों पर आश्रित नहीं हैं। और जहाँ तक हमारी सेना का प्रश्न है, निसंदेह उसमें वीर अब्दुल हमीद हमें याद है। हमारे पास ऐसे सैनिक हैं जो हमेशा अपने जान की परवाह किए बगैर अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के इस कदम की और भी अधिक सराहना की जानी चाहिए कि दीपावली जैसे परिवार में, जब दीपावली जैसे त्यौहार के अवसर में जब सभी नागरिक अपने अपने परिवार के साथ होते हैं, ऐसे में हमारे सैनिक जो अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं, उस समय पूरे देश के परिवार का मुखिया जब उनके साथ हो, अगर पूरे देश को एक परिवार माने और उसके मुखिया प्रधानमंत्री को माने, तो उनका सेना के बीच होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक पारिवारिक वातावरण में एक अपने दीपावली के अवसर को भी मनाएंगे और अपनी सैन्य शक्ति के विषय में भी आशान्वित रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से और उन्होंने प्रधान पीएम ने सीधे तौर पर जवानों को ये भी कहा कि 35 साल से जब वो पीएम नहीं थे, जब वो सीएम नहीं थे, जब वो कुछ भी नहीं थे, तब भी वो सेना के जवानों के साथ उनकी कोशिश होती है कि दिवाली उनकी सेना के जवानों के साथ बने। और लगातार संबोधनों में उन्होंने सेना के जवानों को परिजन शब्द से संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि पूरा भारत आपका परिवार है और आप पूरे भारत के हैं। मतलब सैनिकों को, सेना के जवानों को उन्होंने हौसला बढ़ाया और कई इस तरह की चर्चा उन्होंने की जिससे कि वो एक अपनत्व का भाव, एक अनुदात्त का भाव कि लगे कि कोई देश का जो पीएम है वो सेना के साथ है, सेना के जवानों के साथ है। और उन्होंने पूरा भरोसा, आपने ठीक कहा कि उन्होंने सेना के लोगों को आश्वस्त कराया, अधिकारियों को भी, सेना के जवानों को भी आश्वस्त कराया कि अब आप सैन्य रूप से, मतलब जो हथियारों के हिसाब से अगर आप देखें, जो सामरिक शक्ति हमारी है वो किसी दूसरे देश से अब कम नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हथियारों से पूरी तौर पे आप लैस हैं। और हौसला अफजाई करने के लिए नरेंद्र मोदी की तरह पीएम आपके साथ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरह रक्षा मंत्री है, वो भी आपने देखा होगा कि हर मौके पर राजनाथ सिंह भी चले जाते हैं सेना के जवानों के बीच में। हालांकि ये परिपाटी नई शुरू हुई है, इससे पहले भी जो लोग रहे हैं वो सेना के जवानों के साथ इस तरह के मौके पर खुशियां जो है साझा करते रहे, खुशियां बांटते रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जो है, चूँकि हर साल दिवाली वो मनाते हैं किसी न किसी उसके, और इस बार वो जगह का जो चुनाव हुआ वो लेपचा चुनाव हुआ जो हिमाचल के काफ़ी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर है पूरा का पूरा वहाँ पर, और मौसम वहाँ का काफ़ी कहने की मैदानी क्षेत्रों से काफ़ी सर्द होती है वहाँ का मौसम। लेकिन उसके बावजूद वो जा कर के, हालाँकि अभी इस बार बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ नहीं है लेकिन मैदानी विभागों की अपेक्षा ज़्यादा ठंड थी। और नरेंद्र मोदी जो ने दूसरी बात जो कहा सेना के जवानों के लिए कि जो आप किसी भी दूसरे देशों के तुलना में हर तरह से मजबूत हैं और जो यहाँ जिसके पास यहाँ जो सेना के जवान जो शहीद होते हैं वो शहीद नहीं होते, अमर होते हैं। तो ये मतलब हर तरह से लोगों का, मतलब सेना के जवानों का हौसला अफजाई करना, उनके बीच में जा कर के रहना, और वो शुगर पॉइंट है, उन्होंने उसका भी उल्लेख किया कि जो हम आपके साथ जो थोड़ी सी मिठाई खा रहे हैं ये शुगर पॉइंट है और यहाँ हम थोड़ी सी जो मिठाई खा रहे हैं ये मिठाई ये पूरे देश के लिए एक संदेश है कि हमारे जो सेना के जवान अपने परिवार, जैसे बनी सर ने कहा कि वो अपने परिवार के साथ लोग रहते हैं लेकिन वो बॉर्डर पे जा कर के परिवार से दूर हैं, लेकिन पूरे देश का अभिभावक आज उनके साथ था, तो मतलब परिवार की कमी उनको ना खले। एक मंशा प्रधानमंत्री की ये भी थी कि सेना के जवानों को वो कमी ना फले कि खले कि जो दिवाली जैसे त्यौहार पर वो अपने परिवार से अलग हैं लेकिन उनका कुशल क्षेम लेने वाला कोई नहीं, उनके साथ खुशियाँ बांटने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पहुँचे। सर, जिन चीज़ों के लिए, जिन जिन बातों का उन्होंने सेना के जवानों को बताया, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जो पहले से बाकी लोग ना करते रहेंगे, लेकिन जो उनका अंदाज था, जिस तरह से अभी दुनिया के कई देश आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले सीरिया और
उसका मामला क्या हुआ, अभी इजराइल और फिलिस्तीन का मामला चल ही रहा है, हमास का मामला चल रहा है, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का सेना के जवानों के साथ हौसला अफजाई करना, क्या सेना को पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने की एक कवायद मानी जाए या केवल एक रूटीन वर्क माना जाए? देखिए, हमारी सेना हमारे भारतवर्ष का गौरव है और इस गौरवशाली क्षण को प्रधानमंत्री ने सैनिकों के बीच जाकर जिया, उनके उनको आश्वासन दिया, उनको बताया कि हम हमारी सैन्य शक्ति कहीं भी कम नहीं है और सेना पर भी विश्वास जताया और इस बात पर भी विश्वास जताया कि हम हथियारों के लिए, लड़ाई के साथ और सामान के लिए अब दूसरों पर आश्रित नहीं है। उन्होंने उन्हें ये भी एहसास कराया कि आप अगर अपने परिवारों से दूर हैं तो मैं आपके परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में आपके बीच में हूँ। ये परंपरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ की है कि विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति इसलिए कि ठंड शुरू हो चुकी है और जाहिर है कि पहाड़ी इलाकों में हिमाचल के हिमालय पर्वत के नज़दीक जाकर हिमाचल में जब वो इस तरह की बात करते हैं तो जाहिर है कि उनके बीच जाकर ये बात कहना उनके लिए बहुत सम्मान की और हौसले की बात है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री की प्रशंसा करूंगा और अपने समस्त देशवासियों की ओर से अपने सैनिकों को ये संदेश भी देना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष की रक्षा के लिए आप हमारे उत्तरदायी हैं और पूरा देश आपको अपने भाई के रूप में, परिवार के एक सदस्य के रूप में देखता है और इन क्षणों में जब आप अपने परिवार से दूर हैं तो हम सब अपने प्रधानमंत्री के साथ आपके साथ इस बीच में इस दीपावली के पर्व पर आपके साथ खड़े हैं। तो पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ, आपने सही कहा कि वो बधाई और क्या है शुभकामना के पात्र हैं पीएम मोदी, जो इस तरह से सेना की हौसला को अफजाई, सेना के जवानों के हौसला का अफजाई करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके दावे वादे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं हथियार के उससे और जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको सुविधा चाहिए सेना को, उसके लिए कहीं से सरकार पीछे नहीं हटने वाली और कहीं कोई कमी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे उनको भरोसा देना और ऐसे वक्त में भरोसा देना जब दुनिया के कई देशों में जंग की स्थिति बनती जा रही है और कई देशों के बीच जंग जारी है। अब आप यूक्रेन और रसा की बात कर लें, फिलिस्तीन और इसराइल की बात कर लें या सीरिया की बात कर लें, तो ये तमाम चीज़ें जो हों, इस पर अमेरिका जैसी महाशक्ति, भारत जैसी महाशक्ति, रसिया रूस जैसे महाशक्ति, चाइना जैसे लोग, इन तमाम लोगों की दृष्टि भी उस पर है। तो आगे क्या कुछ होने वाला है, निगाह और नज़र बनाए रखेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।